हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात आए दिन किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हाल ही में सोफिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी जिंदगी पर किताब लिख रही हैं और इस किताब में वो रोहित शर्मा और अपने रिश्तों के बारे में भी लिखेंगी। सोफिया ने कहा था कि रोहित मुझ पर दिलो जान से मरते थे और हम दोनों में बहुत ही करीबी रिश्ता था। हमने साथ में बहुत वक्त गुजारा, लेकिन एक दिन दोस्तों के बीच उन्होंने मुझे अपना फैन बताकर परिचय दिया तो मेरा दिल टूट गया और हम दोनों में दूरियां पैदा होने लगी। लेकिन जैसे ही सोफिया ने अपने और रोहित के रिश्ते का खुलासा किया था, लोगों ने ट्विटर पर उनके 6 साल पुराने ट्वीट जारी कर दिए, जिनमें विराट कोहली से उनका नाम जोड़ा गया था। ये ट्वीट्स काफी अश्लील थे। वहीं अब सोफिया ने इन ट्वीट्स को झूठा करार करते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये सब झूठ है। देखिए जरा ये वीडियो। I would like to respond to the media frenzy that's going on in relation to Rohit and Virat. First of all, some of those tweets have been edited and photoshopped and were not written by me. So please don't believe that. And secondly, anybody who's saying they should be suspended is completely stupid because, first of all, nothing ever happened with Virat, by the way. And secondly, with Rohit, we were seeing each other. So there is nothing wrong in that. And it's got nothing to do with any sort of suspension. So please, can you stop writing ridiculous stuff like that? And there's journalists who are writing that as well. So just don't believe all of those lies that people are saying. And I think I've clarified the points now. And can we really just stop this madness over it all? That's my side of the story and thank you. तो देखा आपने, सोफिया ने ये बात एक्सेप्ट की है कि वो रोहित के साथ तो रिश्ते में थी, लेकिन विराट के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वहीं सोफिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा कि I can't believe how some people are believing this old tweet rubbish. I didn't write some of those tweets and someone is putting out my old tweets and photoshopping dates and text. Very sad. You have to be messed up to do that. Well, अब इस पूरे मामले में विराट या फिर रोहित कोई जवाब देते हैं या नहीं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है।